आगे बुलेटिन में बात करते हैं टारगेट 19 की। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में हम हर रोज एक लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा की लोकसभा सीट बेंगलुरु नॉर्थ का हाल आपको दिखाएंगे। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की आईटी राजधानी भी कहा जाता है। कई बड़ी एमएनसी बेंगलुरु से दुनिया के आईटी सेक्टर में राज करती हैं। आईटी सेक्टर का हब होने की वजह से ही बेंगलुरु की आबादी भी बढ़ती चली गई। अभी बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। आईटी सेक्टर की बेहतरी के साथ साथ बेंगलुरु का कितना विकास हुआ इसकी पड़ताल भी जरूरी है। आज हम नॉर्थ बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र में विकास की जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु उत्तर संसदीय क्षेत्र में। आइए देखते हैं पिछले चार सालों में यहाँ के सांसद सदानंद गौड़ा ने इस क्षेत्र में क्या काम किए हैं और क्या यहाँ के लोग सदानंद गौड़ा के काम से खुश हैं। सदानंद गौड़ा कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में बेंगलुरु नॉर्थ सीट से सांसद बनने के बाद सदानंद गौड़ा को रेल मंत्री बनाया गया। इसके बाद वो कानून मंत्री भी रहे। अभी दो साल से उनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दिया गया। केंद्रीय मंत्री होने के बूते पर सदानंद गौड़ा ने अपने संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे काम करवाए जिनके लिए लोग उनकी तारीफ करते हैं। इसमें मल्लेश्वरम इलाके में लगाए गए सीसीटीवी कैमरास भी शामिल हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में नागरिकों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, लिहाजा सदानंद गौड़ा ने राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर, स्थानीय विधायक डॉक्टर अश्वथ नारायण के साथ मिलकर इस इलाके में करीब 400 सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं और उन्हें एक मास्टर कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ पर सभी सीसीटीवी कैमरास जो है कनेक्ट किए गए हैं और इन सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर करने के लिए स्टाफ भी यहाँ पर रखा गया है जो 24 घंटे जो है इन सीसीटीवीज को मॉनिटर करते रहते हैं और अगर कुछ गलत होता दिख रहा है इन कैमरास में तो ये स्टाफ तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना देती है। दावा है कि चार साल में सदानंद गौड़ा ने अपने चुनावी क्षेत्र में कई केंद्रीय योजनाओं के तहत काम करवाए। सांसद के मुताबिक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, वाटर रिसोर्सेज स्कीम, मुक्ति निधि और इंदिरा आवास हाउसिंग स्कीम के तहत क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा सदानंद गौड़ा ने अपने इलाके में एक वॉलीबॉल स्टेडियम और कई बोरवेल भी बनवाए। लेकिन इन कामों से लोग कितने खुश हैं कि उनकी जुबानी ही आप सुन लीजिए। देखो इधर 2-3 स्टेडियम हुआ है, इसे इसका बड़ा काम भी किया है और इसे अच्छा से ग्रांट्स में इधर सभी स्पोर्ट्स डेवलप हुआ है। आप देख सकते हैं ये भी एक स्टेडियम है और एक वॉलीबॉल स्टेडियम है। बहुत काम किया है, आया था है, काम भी किया है, देखा भी है। नहीं अभी तक तो आए नहीं, परवानी एक तो बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, उनका तो नाम बहुत बढ़िया है। सदानंद गौड़ा केंद्र में मंत्री है, लिहाजा वो ज्यादातर वक्त दिल्ली में होते हैं। बेंगलुरु के वीवी टावर्स में उनका दफ्तर है जहां लोगों की परेशानियां सुनने के लिए सदानंद गौड़ा के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी मौजूद रहते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर्स एंड हिज डायरेक्शंस वी रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल। अब एक नजर सदानंद गौड़ा के राजनीतिक सफर पर भी डाल लेते हैं। इनका जन्म साल 1953 में कर्नाटक के सुल्लिया तालुक में हुआ। वो एबीवीपी की तरफ से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, जिसके बाद जनसंघ से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पहली बार वो 1994 में पुटूर सीट से जीतकर कर्नाटक विधानसभा पहुंचे। साल 2004 में पहली बार मंगलोर सीट पर कांग्रेस के दिग्गज वीरप्पा मोइलो को हराकर वो लोकसभा पहुंचे। बेंगलुरु नॉर्थ सीट 2004 के बाद से ही बीजेपी के कब्जे में, इसीलिए सदानंद गौड़ा पर ये दबाव भी होगा कि इस सीट के वोटर्स बीजेपी से दूर ना छिटके। इस इलाके के लोग कमोवेश सदानंद गौड़ा के काम से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन एक शिकायत जरूर है कि सदानंद गौड़ा अपने क्षेत्र में ज्यादा नहीं आते हैं, हालांकि उनके प्रतिनिधि यहां लोगों से मिलते जरूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।